नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे फास्ट माइंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर एक, कोविड-19 का क्या मतलब है। सवाल नंबर दो, हवाई जहाज में औरतों का स्टाफ क्यों होता है। सवाल नंबर तीन, हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती हैं। सवाल नंबर चार, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई क्यों होती है। सवाल नंबर पाँच, पेट्रोल सुबह या रात को क्यों भराना चाहिए। सवाल नंबर छह, ज्यादातर गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से। हमारा पहला सवाल है, कोविड-19 का क्या मतलब है। कोविड-19 का तात्पर्य निम्नलिखित होता है, CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस, D यानी डिसीज, 19 यानी 2019, अर्थात कोविड-19 का मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 होता है। जब WHO को समझ में आया कि यह एक भयानक संक्रामक महामारी है और इसके लिए विश्वव्यापी अभियान चलाना होगा, तब इसे एक नाम दिया गया, कोरोना वायरस डिसीज यानी कोरोना विषाणु बीमारी, क्योंकि इसका पता साल 2019 में ही पता चल गया था, इसलिए अंत में 19 लगाया गया है। उम्मीद करूंगा सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर दो, हवाई जहाज में औरतों का स्टाफ क्यों होता है। दरअसल हवाई जहाज में अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्टाफ महिलाओं का होता है, फिर वह भारत हो या दूसरी कंट्री में। ऐसा क्यों, आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि इसकी मूल वजह शायद उनकी सुशीलता, उनकी मीठी आवाज, उनके एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने की सहजता, उनकी नटखटता और यात्रियों के साथ अच्छे रिश्ते और वार्ताप रखने की काबिलियत है, जो कि ज्यादातर मर्द नहीं कर पाते। विपरीत समय आने पर औरत उतनी ही कठोरता से यात्रियों को समझा सकती है, जबकि ऐसा पुरुष नहीं कर पाते। पर महिलाओं को रखने का महत्व कारण है उनका वजन। महिलाओं का वजन काफी कम होता है, लगभग 50 से 55 किलो तक, जिससे हवाई जहाज को ईंधन में बहुत फायदा पहुंचता है। उनकी जगह पर पुरुष होते तो उनका वजन लगभग 70 से 75 किलो होता। हवाई जहाज में औरतों का स्टाफ होने से लगभग लाखों रुपए कंपनी के बच जाते हैं, इसलिए ज्यादातर हवाई जहाजों में औरतों का ही स्टाफ होता है। हमारा तीसरा सवाल है, हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती है। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि हवाई सफर ने लोगों की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। कम समय में लंबी दूरी तय करने वाले ये हवाई जहाज वक्त के साथ बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि हवाई जहाज में सफर करना आरामदायक के साथ साथ बेहद सुहाना भी होता है। लंबी दूरी का सफर महज कुछ मिनटों में सिमट जाता है। वैसे आपने हवाई जहाज में सफर तो कई बार किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज की खिड़कियां गोल या अंडाकार क्यों होती हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। 1950 में जब हवाई जहाज से लोगों ने सफर करना शुरू किया था तो उस समय हवाई जहाज में चौकोर खिड़कियां होती थी, लेकिन 1953 में दो हवाई जहाज क्रैश हो गए थे जिसमें 56 लोगों की जान गई थी। हवाई जहाज क्रैश होने की वजह चौकोर खिड़कियां मानी गई थी। हवाई जहाज में खिड़कियों में चौकोर कोने होने की वजह से कमजोर होते हैं। खिड़की के इस डिजाइन में चार कमजोर स्पार्स होते हैं और प्रेशर पड़ने पर वो हवा में चटक सकते हैं। इस वजह से खिड़कियों को गोलाकार या कोनों को घुमावदार बनाया जाता है, जिससे प्रेशर विपरीत हो जाता है और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए हवाई जहाज में खिड़कियां गोल होती हैं। हमारा चौथा सवाल है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई क्यों होती है। दोस्तों, इस कहावत का सीधा सा अर्थ यह है कि गरीब निर्बल और सीधे साधे आदमी का हर कोई फायदा उठाता है, उसका हर कोई इस्तेमाल करता है और प्राय उसे हर जगह दबाया जाता है। अब मुझे यह नहीं पता कि यह प्रथा कब से और क्यों चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी। हमारे समाज में किसी बड़े आदमी की संस्कारहीन, गुणहीन, चरित्रहीन बीवी को कोई भी भाभी कहने की हिम्मत नहीं करता। उसको सब बहन जी, दीदी या मैम कहकर बुलाते हैं, किंतु साधारण व्यक्ति की संस्कारवान, गुणवान और चरित्रवान पत्नी को सब भाभी कहने में आनंद महसूस करते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब कोई जेब कतरा या कोई छोटा चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे मारते हुए थाने ले जाती है और उसे बिना उसकी मर्जी के बढ़िया सा कुटाई प्रोग्राम देती है। लेकिन जब कोई बड़ा घोटालेबाज या करोड़ों की ठगी करने वाले ठग को यही पुलिस पकड़ के ले जाती है तो पुलिस वाले उन घोटालेबाजों और ठगों की इस कदर मेहमानी नवाजी करती है जैसे उन्होंने घोटाला करके इस देश और जनता की सेवा कर दी है। इसलिए तो कहा गया है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। हमारा पांचवा सवाल है, पेट्रोल सुबह या रात को क्यों भराना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि पेट्रोल आयतन के अनुसार भरा जाता है, किलोग्राम में नहीं।
दरअसल दिन के समय जब भारी तापमान सुबह या शाम से कहीं ज्यादा होता है, तापमान अधिक होने से तरल पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है और एक लीटर में आपको सुबह या शाम के मुकाबले कम मात्रा में पेट्रोल मिलता है। अब अगर आप 10 लीटर पेट्रोल दोपहर में लेते हैं तो सुबह के मुकाबले करीब एक लीटर का पैसा अधिक लग जाता है, यानी एक लीटर भरने में 100 ग्राम का नुकसान हो जाता है। यह मात्रा थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है। तरल पदार्थ का आयतन तापमान के साथ बढ़ता है और पेट्रोल लीटर यानी आयतन में नाप कर दिया जाता है, किलो में नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोल का घनत्व पानी से कम होता है। एक लीटर पानी में 15 डिग्री पर 1 किलोग्राम मात्रा के बराबर होता है। पानी का घनत्व 1 होता है और पेट्रोल का घनत्व 0.75 होता है, इसलिए पेट्रोल हमेशा सुबह या रात को भराना चाहिए। हमारा छठवां सवाल है, ज्यादातर गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? दरअसल आज़ादी के 74 साल बाद भी गरीबी शब्द का प्रयोग होना हमारे देश के लिए किसी आचार से कम नहीं है। आखिर अंग्रेजों से लंबे लड़ाई के बावजूद भी इस देश के गरीबों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कृपया इस बात को किसी भी दल या पार्टी से जोड़कर ना देखें, बल्कि मानवता से जोड़कर देखने का प्रयास करें। आपको बता दें कि गरीब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनको गरीबी विरासत में मिली रहती है। उनके माँ बाप बेहद गरीब होते हैं और गरीबी में ही पलकर वे बड़े होते हैं। नंबर 2, इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो गलती से गरीब बन जाते हैं, जिसके पास पहले से ही काफी पैसा रहता है लेकिन और ज्यादा पैसे कमाने तथा दिखावे के चक्कर में गलत तरीके अपनाकर अपनी पूंजी को गवा देते हैं, साथ ही गरीबी को भी न्योता दे देते हैं। नंबर 3, इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो मानसिक रूप से गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी उनका जीवन गरीबों जैसा बीतता है, जिसे साधारण भाषा में कंजूसी भी कह सकते हैं। दोस्तों, कोई भी गरीब भला गरीब क्यों बना रहना चाहेगा? गरीब तो हमेशा मेहनत करता ही रहता है, तभी अपने अस्तित्व को बचा पाया है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।